सरयू नदी का ये इतिहास रहा है कि भगवान श्री राम के जन्म से लेके और समाधि लेने तक ये नदी यहीं रही है, इसने अपनी दिशा नहीं बदली, ये हमेशा यहीं रही है। अब क्या करती थी, अब तो इसको बचाए रखने के लिए कुछ तो इसको। ये देखिए सामने ये रहा, बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ है। माता सीता और प्रभु श्री राम के चरण पादुका है। देखिए आप, जब ये हवन होता है तो इसे खोलते हैं, इसके अंदर हवन सामग्री। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे हैं, बीच में प्रभु श्री राम, इधर माता सीता, बहुत ही। ये देखिए सामने ये रहा, बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ है। ये कितने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर हैं, पूरे अयोध्या में ही बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, मैं अमित तोमर एंड यू आर वाचिंग एटी व्लॉग्स। आप सबका स्वागत है अयोध्या श्री राम प्रभु की पावन नगरी से। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छे से जा रहा होगा। तो कल आपको राम मंदिर दिखाया था, तो आप अब चलते हैं हम आपको कनक महल दिखाने के लिए। कनक महल वो महल है जो माता केकई ने, जब राम जी शादी होकर आए थे तो माता केकई ने सीता जी को मुँह दिखाई के रूप में दिया था। तो चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं आप सबको। है रोहित भाई, चलो चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और जय श्री राम। अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको महल। ये रास्ता जा रहा है सीधा कनक महल के लिए। अब हम चलते हैं कनक महल और आपको दिखाते हैं कनक महल कहाँ पे है। ये मार्ग है कनक महल, बिल्कुल दशरथ महल के बिल्कुल बराबर से ही कनक महल के लिए रास्ता जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ से भी मंदिर जाने का रास्ता है। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर है, पूरे अयोध्या में ही बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए बहुत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं जी। रामलला का जो रावण जी राम जी बचपन में रहते हैं, छोटे रूप का, बाल रूप का। अच्छा, ये रामलला जी का मंदिर है। ये देखिए सामने ये रहा, बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ है। फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं कनक भवन, कनक महल, जैसे कि आपको बताया था। आते हैं ऊपर मंदिर की तरफ, कराते हैं दर्शन आपको, अगर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड है वैसे तो। देखते हैं, क्या पता अंदर कोई मना कर दे, जब मना कर दे तो नहीं बनाना चाहिए, आस्थाओं को ठेस पहुंचती है किसी की भी मंदिर के। जय माता सीता। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। चलते हैं अंदर। ये सीता माता को माता के कई ने दिया था मुंह दिखाई के रूप में जब वो विवाह करके आए थे। अंदर मंदिर है माता सीता। ये देखिए कितना खूबसूरत नजारे हैं, बीच में प्रभु श्री राम, इधर माता सीता, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। रमन कुंड बना हुआ है। सिया राम पवित्र रहे चरण तैनु ना। माता सीता और प्रभु श्री राम के चरण पादुका हैं, बने हुए हैं। देखिए आप, जब ये हवन होता है तो इसे खोलते हैं, इसके अंदर हवन सामग्री डाल के यज्ञ होते हैं। और सीता माता के चरण पादुकाएं आपको दिखाई है मैंने। चलो भैया चलते हैं फिर सीधा कहीं और की तरफ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बने रहिए एटी ब्लॉक्स पे, दिखाते हैं और भी चीज़ें आपको अयोध्या में, जो जो फेमस चीज़ें हैं, जो जो प्रभु श्री राम से, माता सीता से, हनुमान जी से, लक्ष्मण जी से, दशरथ जी से, पूरे रघुकुल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सबको दिखाते हैं। एक चीज़ और देखी, तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको दिखाने क्या दिखता है वहाँ से। तो अंदर जाते हैं, यहाँ एक रास्ता है सीधा अंदर जाने के लिए, वहाँ से देखते हैं क्या दिखता है। ये मार्ग है सीधा अंदर जाने के लिए। यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है और यहाँ से वो सामने जो दिख रहा है ना आपको, पीछे वो दशरथ महल है। महल के बिल्कुल बराबर में ही था, केकई जी ने गिफ्ट किया था, मैंने बताया था आपको, मुँह दिखाई के उस पर सारे थे। ये पार्क जो है इसको जानकी माता पार्क कहते हैं, जानकी माता यानी कि माता सीता। ये देखिए माता सीता का पार्क है और ये बीच में कुंड है जो कि अब एक पूरा फुहारे में कन्वर्ट हो गया है। इस कुंड में वो स्नान किया करती थी।
अब तो इसको बचाए रखने के लिए कुछ तो इसको दिखाना करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको फुहारा लगा दिया गया है इसमें। ये वैसे जानकी कुंड कहा जाता है, यानी कि सीता माता का कुंड। वो सारा बाग है देखिए सामने, बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ है श्री सीता राम। ये सामने खेती हुई हुई है। ये देखिए भाई साहब कितने खूबसूरत बस स्टैंड बनाए हुए हैं, जगह जगह बस स्टैंड है ऐसे, राम जी का हनुमान जी का। ये पुलिस बूथ है देखिए, मार्केट है सारी, तुलसीदास छावनी जो है ना उनकी है सारी मार्केट, दूर तक जो दिखाई दे रही है ये सब। ये जो आप नदी देख रहे हैं ना, सरयू नदी है। ये देखिए कितने सुंदर घाट बने हुए हैं, साफ सुथरे। अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको सरयू घाट, और वहाँ पे जाके सरयू घाट है, वहाँ पे जाके राम पैड़ी है। इसका रामायण में ये सरयू नदी है ना जो, इसका ये सरयू नदी है ना जो, ये सात सहायक नदियों में से एक नदी है गंगा जी की, तो इसलिए भी इसका महत्व ज्यादा है। और फिर अयोध्या में बह रही है तो महत्व तो अपने आप ही होगा, क्यों लब भाई हैं? ये गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में से अपना अलग स्थान बना के रही है। सरयू नदी प्रभु राम की साक्षी है, वनवास काल से लेकर अयोध्या वापस तक साक्षी रही है। ठीक है, कौन सी जगह? सोनभद्र। सोनभद्र से कैसा महसूस हो रहा है जी बाबा जी? अयोध्या राम लाला आ रहे हैं घर वापस, कैसा लग रहा है आपको? आनंद ही आनंद है, मजा आ रहा है। जिसके हृदय में राम हो उसके हृदय में राम ही आनंद, राम में हो रही है पूरी अयोध्या, राममय पूरी अयोध्या नहीं पूरा विश्व राममय है। और ये कलश कहाँ से आए जी? कलश विराट रुद्र महायज्ञ का कलश निकाला। अच्छा अच्छा अच्छा, आज कलश यात्रा है, कल से विराट रुद्र महायज्ञ आज से शुरू हो जाएगा, जड़ी बूटियों की यज्ञ होगी। अच्छा अच्छा, विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। और यज्ञ के पुणावती में भिखारी बाबा निर्धन असहाय कन्याओं की शादी कराते हैं, तो शादी भी 25 जनवरी को होगी, आदिवासी वनवासी। और ये भिखारी बाबा एक नहीं हजार नहीं कई हजार कन्याओं की शादी कराया हमारे मीडिया के महानुभाव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलते चलते भैया राम पैड़ी और सरयू नदी के बीच में पड़ता है लता मंगेशकर चौक पड़ता है बीच में, ये दोनों स्थानों के बीच में है, ये बड़ा प्रसिद्ध चौक है। ये देखिए वीणा बनी हुई है यहाँ पे, देखिए ये देखिए कितना खूबसूरत वीणा बनी हुई है। बड़े न्यूज चैनल आए हुए हैं सारे कवर करने के लिए, देखिए क्या बेहतरीन। ये देखिए जय श्री राम, रामचंद्र के जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये सरयू नदी के लिए जा रहा है रास्ता ना, सीधा सरयू घाट के लिए। मार्ग भी नाम रख दिया इसका जगह का, रामकथा हो रही है तो जगह का नाम ही रामकथा मार्ग पड़ गया। फाइनली भैया जहाँ पहुँच जा रहे थे वहाँ पहुँच गए हैं, जो मैंने बताया था सरयू घाट, तो दिखाते हैं आपको कि कहाँ है सरयू घाट। ये देखिए ये सारा सरयू घाट है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सरयू नदी है, अयोध्या में जो एकमात्र नदी है सरयू नदी, ये वो है बरूद है। सरयू नदी का ये इतिहास रहा है कि भगवान श्री राम के जन्म से लेके और समाधि लेने तक ये नदी यहीं रही है, इसने अपनी दिशा नहीं बदली, ये हमेशा यहीं रही है। अब आपको पास ले चलता हूँ नदी के, क्योंकि इसका बड़ा महत्व है, इसे पानी यहीं से अयोध्या की यात्रा शुरू होती है, जब इसका जल अपने नहा लो या वो क्या कहते हैं उसे पंच स्नान कर लो। आ जाओ जरूर। हाँ हेलो, आप लोगों को भी करा दिया। आप जैसे ही हम सरयू नदी का नाम लेते हैं तो सबका मन जो है पूरे विश्व में जो भी सरयू नदी के बारे में जानते हैं सबका ध्यान सीधा अयोध्या पहुंच जाता है। उन बात और पता लगी है मेरे को, जो श्रवण कुमार थे जो अपने माँ बाप को पूरे चारों धाम की यात्रा करा रहे थे कंधे पे बैठ के, अपने कंधे पे टोकरी रख के, वो जो आप सब जानते ही होंगे, उनको यहाँ पानी भर रहे थे। वो पानी भरते समय उनको दशरथ जो प्रभु श्री राम के पिताजी थे दशरथ, उन्होंने तीर मारा और उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, इसलिए आप जो सरयू घाट पे आएंगे ना तो लेडीज और जेंट्स टॉयलेट दोनों अलग बने हुए हैं, और स्नान करने के बाद उनके
जो कपड़े चेंज करने का वो है ना, वो भी अलग से बनाए हुए हैं। विकास हो रहा है अयोध्या का जबरदस्त। भी घूम रहे हैं ऐसे बाइक पे ना, ये देखिए पूरे अयोध्या शहर में कमांडो हो जाए सारी पूरे अयोध्या में घूम रहे हैं।